डियर नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डियर नाज़रीन, अभी हम जिस जगह पे पहुंचने वाले हैं उसे कहते हैं कुंडलशाही वाटरफॉल। कुंडलशाही वाटरफॉल एक खूबसूरत जगह है जो कि नीलम वैली आज़ाद कश्मीर के शुमाली हिस्से में वाक़ है। ये गांव जागरा नाला के दोनों किनारों पर फैला हुआ है जो अभी आपको नज़र आ रहा है, और ये जो कुंडलशाही वाटरफॉल है ये एक नले के ऊपर बनी हुई है। ये नला आगे जाकर दरियाए नीलम में मिल जाता है। इसी नाले पर अगर आप 1 किलोमीटर का सफ़र करें तो आगे जाकर आपको एक बहुत ही खूबसूरत और नहायत प्यारी वाटरफॉल नज़र आएगी जिसे कुंडलशाही वाटरफॉल कहते हैं। यहाँ पर कुछ खूबसूरत टूरिस्ट रिजॉर्ट्स और होटल बने हुए हैं जो कि आने वाले सियाहों को तफरी और बाकी सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। अगर हम इस वाटरफॉल की लोकेशन की बात करें तो यह नीलम हाईवे से 1 किलोमीटर और मुजफ्फराबाद से तकरीबन 74 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। और हाँ, साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि यह लाइन ऑफ कंट्रोल से कुछ ही फासले पर वाक़ है जो कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर वाली साइड की लाइन ऑफ कंट्रोल है। कुंडलशाही को एक अलग मकाम हासिल है, वो ये है कि यहाँ पर रहने वाला एक कबीला यानी कुरैशी एथनिक ग्रुप जो कि कुंडलशाही ज़ुबान बोलते हैं, वो अपनी इस ज़ुबान की वजह से एक मुनफरद मकाम रखते हैं। ये ज़ुबान एक इंतहाई मुश्किल ज़ुबान है जो कि बोलना, सीखना और समझना इंतहाई मुश्किल है। कुंडलशाही की आबादी तकरीबन 3000 नफूस पर मुश्तमिल है जिसमें ज़्यादातर तादाद कुरैशी फैमिली की है, और ये वही फैमिली है जो कुंडलशाही ज़ुबान बोलती है जिसको बाकी लोगों के लिए बोलना, सीखना, समझना इंतहाई मुश्किल है। इवन के जो इनकी अभी जो नई जनरेशन है कुरैशी फैमिली की, वो भी इस ज़ुबान को नहीं सीख रही बल्कि वो हिंदुओं पे शिफ्ट हो रही है। वजह सिर्फ यही है कि ये बोलना, सीखना और समझना बहुत मुश्किल है। कुरैशी फैमिली के अलावा यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं दूसरी फैमिली के जो हैं उनमें कुछ शेख, मुग़ल और सैयद फैमिलीज़ भी यहाँ पर आबाद हैं। तो ये एक छोटा सा एरिया है, छोटा सा गांव कह लें, जो कि इस नले के दोनों तरफ आपको नज़र आएगा। इस जगह पर यही कुछ लोग, मतलब यही फैमिलीज़ रह रही हैं जिनमें से नुमाया मकाम हासिल सिर्फ कुरैशी फैमिलीज़ को है जो कि कुंडलशाही ज़ुबान बोलते हैं। इनको एक एथनिक ग्रुप का दर्जा हासिल है। तो ये जो वाटरफॉल आपको अभी नज़र आ रही है ये एक नेचुरल वाटरफॉल नहीं है बल्कि इसको बनाया गया है पानी को रोक के। ये सामने जो आपको कुछ नज़र आ रहा है इसका कुछ पार्ट या कुछ हिस्सा समझ लें आप, उसको अलग एक डायरेक्शन देके आगे मैं अगर दिखा पाऊँ आपको तो नीचे जाके इससे थोड़ा बहुत मतलब बिजली पैदा की जा रही है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के तहत। तो ये पानी का कुछ हिस्सा इधर से बचाया जाता है और वो उसको एक नई डायरेक्शन दी जाती है जो कि आगे दरिया नीलम के करीब जाके उसको फिर टरबाइन से गुजारा जाता है जिससे बिजली पैदा होती है और लोकल आबादी जो है या मकामी लोग जो हैं उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप कुछ टाइम के लिए यहाँ आ सकते हैं
नाइट स्टे भी कर सकते हैं अगर आप पुरसकून जगह, मतलब आपने आगे जाना है, ताऊबट जाना है या आगे इससे आगे मूव कर रहे हैं और आपको स्टे की ज़रूरत पड़ गई है। तो चूँकि ये नीलम हाईवे से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर वाकई है, तो आप बजाय इसके कि किसी शहर में रहें या किसी मतलब बाज़ार में रहें, तो 1 किलोमीटर रोड से हट के अगर इस जगह पे आ जाएंगे तो आपकी स्टे अच्छा गुजर जाएगा, आपकी आउटिंग भी हो जाएगी, पिकनिक भी हो जाएगी और आप एक अच्छी जगह पे रात गुजार लेंगे। पुरसकून मकाम है, ठंड वगैरह भी होती है यहाँ, क्योंकि ये एक पानी के जो पानी आ रहा है ये एक बर्फ़ का पानी है, नहायत ठंडा पानी है। और लोग यहाँ पर आते हैं और स्टे करते हैं, और जिन्होंने आगे फर्दर मूव करना होता है उसी दिन में, तो वो 2-4 घंटे के लिए इधर आते हैं, खाना शाना खाते हैं, इधर थोड़ी देर इंजॉय करते हैं और फिर आगे मूव कर जाते हैं। तो डियर नाज़रीन, इस डेस्टिनेशन के बारे में आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप नीलम हाईवे पे आगे ताऊबट की तरफ जा रहे हैं तो इस डेस्टिनेशन को ज़रूर टच करते हुए जाएं, क्योंकि यह मेन हाईवे से, नीलम हाईवे से 1 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है और अलहदा है। तो भी नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें। थैंक यू।